अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, तो मैं मोहम्मद इमरान और आज हम शुरू करेंगे अपना वही वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 जो है एक्सरसाइज नंबर 1.6 का। लास्ट टाइम हमने इसको स्टूडेंट किया था इन्वर्जन मेथड से और आज हम करेंगे इसको क्रैमर रूल से, जो इंतहाई आसान है स्टूडेंट। ये दोनों ही मेथड पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्वर्जन मेथड भी और क्रैमर रूल भी। तो इन्वर्जन मेथड मैंने आपको सिखा दिया था, तो आज हम करेंगे क्रैमर रूल, ये उसकी निस्बत इंतहाई आसान है जी। चलिए हम शुरू करते हैं। तो यहां पे हम लिखते हैं सॉल्व जी। तो स्टूडेंट हमने क्या करना है, जैसा कि हमने पिछले वाले में किया था सेम टू सेम हम उसी तरह इसके मैट्रिक्स बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन ये जो एक्स और वाई के साथ ये जो मैथ के नंबर लिखे हुए हैं, ये क्वेश्चन जो है इनको हम एक सेट में लिखेंगे। तो इस एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है 3, इस एक्स के साथ -4, इसके साथ +1 और इसके साथ +2, ये एक मैट्रिक्स आ गया। नेक्स्ट दूसरा मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, जिसमें हम क्या लिखेंगे, हमने जो मैथ के नंबर तो लिख दिए, अब हम इनको एक्स वाई को भी स्टूडेंट यहां पर हम लिखेंगे। तो ये आ गया, नेक्स्ट क्या है इक्वल टू, और ये हमारे पास आ गया 4 और ये 8, इसको आपने कह दिया ए मैट्रिक्स, इसको आपने एक्स कह दिया और इसको आपने कह दिया ये है हमारे पास बी। फिर मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, अभी भी आपको बताया है कि जैसा कि ये ऊपर लिखे हुए सेम टू सेम हमने मैट्रिक्स की शक्ल में इनको नीचे लिख दिया है। अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये दोनों हमारे पास आंसर में आ जाएंगे। अब हमने स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट काम है क्या, कि हमें यहाँ पे तीन चीजें चाहिए होती हैं, एक ए, ए तो हमें ये पहले ही मिला हुआ है, दूसरा हमें चाहिए होता है क्या ए एक्स। तो ए एक्स स्टूडेंट कैसे निकलना है, स्टूडेंट ए एक्स में क्या करना है आप लोगों ने, कि जो ए है इसका जो फर्स्ट कॉलम है इसकी जगह पे आपने ये जो बी की वैल्यू है वो लिख देनी है, 4 और ये 8 और ये -4 और ये 2, ये है हमारे पास ए एक्स। ये किसके लिए यूज होगा स्टूडेंट, यहां से हम इसकी वजह से क्या करेंगे एक्स की वैल्यू मालूम करेंगे। तो हमें पता है कि ए बी सी में स्टूडेंट एक्स पहले आता है, तो इसलिए हमने क्या किया कि ए का पहला कॉलम गायब कर दिया, उसकी जगह पे हमने ये लिख दिया। फिर हमें वाई की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे ए वाई लिखेंगे। स्टूडेंट ये बात याद रखें, बच्चों को बहुत ही ज्यादा जल्दी होती है, जो एक्स होता है ए के साथ लिख देते हैं, तो आपने क्या करना है इसको साथ नहीं लिखना बल्कि नीचे लिखना है, जिसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट में। यहां पर देखें वाई भी कहां पे है, बिल्कुल नीचे है, अगर आप साथ लिखते तो वो आपकी गलती कंसिडर की जाती है। अब यहां पर आपने क्या करना है, ये यूज होगा स्टूडेंट ए वाई किसके लिए, वाई की वैल्यू मालूम करने के लिए, ये वाला वाई। अब y क्या आता है दूसरे नंबर पर आता है, इसलिए हम क्या करेंगे ये दूसरा कॉलम गायब कर दें, किससे इस 4 एंड 8 से। तो ये आ गया 4 और ये 8 और ये जो पहला कॉलम है ये उसी तरह आ गया, ये आ गया 3 और 1, ये हमारे पास तीनों चीजें आ गई। अब हमने क्या करना है फार्मूलेज लिखने, हमने करना क्या है x और वैल्यू, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पे स्टूडेंट देखें x इक्वल है किसके वाला ax ओवर a, इसका भी डिटरमिनेंट और इसका भी डिटरमिनेंट। तो स्टूडेंट इसको आप कहते हैं इक्वेशन नंबर 1 और नेक्स्ट y के लिए जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, y इज इक्वल टू उसमें लिखोगे आप a y ओवर a, इसका भी डिटरमिनेंट और इसका भी डिटरमिनेंट। तो हम यहां पे क्या करते हैं बारी बारी तीनों पहले अपने इन तीनों का क्या करते हैं डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, देन हम उनको इधर पुट कर देंगे, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम क्या करते हैं a का डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो ए का डिटरमिनेंट आपको पता ही है, डिटरमिनेंट के लिए ये दो सीधी लाइनें यूज की जाती हैं, ये आपने इधर भी लगा दी और यही आपने इधर भी लगा दी। तो ए में क्या आ गया हमारे पास 3 -4 1 और ये 2। तो जी सॉल्व करें इसको, सबसे पहले हम इन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो लिखा जाता है 3 मल्टीप्लाई 2। नेक्स्ट जब हम इन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को स्टूडेंट मल्टीप्लाई करवाते हैं तो क्या करते हैं माइनस फार्मूले का लिखते हैं। नेक्स्ट आ गया 1 मल्टीप्लाई माइनस का 4, तो ये कितना हो गया 3 2 6 माइनस माइनस प्लस और ये 4, तो इसका आंसर बन गया स्टूडेंट कितना जी 10, किसका a का डिटरमिनेंट, इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 3 कहने चले। फिर अब क्या निकालें आप, अब आप ए एक्स निकाल लें, तो ए एक्स में आप लिखोगे यहां पे ए एक्स इसका डिटरमिनेंट। अब यहां पे देखें ये देखें स्टूडेंट हमने ए एक्स ये बनाया हुआ है, तो इधर आपने लिख देना है ए एक्स, ए एक्स में क्या आ गया हमारे पास 4 -4 8 और ये 2 जी निकाले स्टूडेंट, इनका मल्टीप्लीकेशन करें इनको 4 2 4 मल्टीप्लाई 2, नेक्स्ट ये माइनस फार्मूले का 8 मल्टीप्लाई माइनस का 4, पहले इन दोनों को फिर इन दोनों को, तो ये कितना हो गया 4 2 8 माइनस माइनस प्लस 8 4 32,
ये टोटल कितना बन गया स्टूडेंट, ये 32 प्लस का, ये 8b प्लस का, तो ये हो गया कितना जी 40, ये आंसर आ गया स्टूडेंट आपके पास a x का। अब आपने इसी तरह a y का डिटरमिनेंट निकाल लेना है, तो उसको मैं यहां पे लिख देता हूं a y, इसका डिटरमिनेंट a y आपने बनाया हुआ है स्टूडेंट, ये लिख देना इसको 3 4 1 और ये 8। तो स्टूडेंट यहां पे इनका डिटरमिनेंट निकाले क्या आएगा, पहले हम 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस फार्मूले का 1 मल्टीप्लाई 4, तो स्टूडेंट इसका आंसर कितना आएगा 3 2 24 और माइनस 4 1 4, तो इसका आंसर आ गया स्टूडेंट 20, किसका जी ए वाई का। तो स्टूडेंट हमने क्या करना है, बारी बारी जो दोनों वैल्यूज हैं ए की और ए एक्स की इधर पुट करनी है, तो हमारे पास एक्स का आंसर आ जाएगा, फिर हम क्या करेंगे ए वाई की और ए की इधर वैल्यूज पुट करेंगे, तो हमारे पास वाई का आंसर आ जाएगा, और यही हमने फाइंड करना है। तो मैं इधर से इसको रेज कर देता हूं, तो यहां पे स्टूडेंट आपने क्या लिख देना है, लिख देना है पुट जी स्टूडेंट, इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 4 का और इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 5 का, और यहां पे लिख दें पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, कहां पर जी इन वन इक्वेशन, तो यहां पे आप लिख दें इन इक्वेशन नंबर 1, तो आपने इक्वेशन 1 में ये देखिए ये x है, ये तो x रहा, उसी तरह इक्वल टू, ये देखिए स्टूडेंट ax का डिटरमिनेंट किसके इक्वल आया था, ax का डिटरमिनेंट 40 के, तो यहां पे आ गया 40 और नीचे क्या है a का डिटरमिनेंट, तो स्टूडेंट ये देखिए a का डिटरमिनेंट कितना निकला है 10, तो इधर आ गया 10, ये 0 0 से कट गया, तो x का आंसर कितना आ गया 4, ऊपर में ये जो 1 है बटे में अगर हमारे पास प्लस का 1 हो तो वो हम मेंशन नहीं करते, ये आ गया हमारे पास किसका जी x का आंसर। अब हमने क्या करना है y की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसको चले मैं ये वाली चीज रेज कर देता हूं, तो अब आपने स्टूडेंट यहां पे लिख देना क्या भला के पुट दी वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन कौन सी जी 5 इन इक्वेशन 2 में, क्योंकि हमें स्टूडेंट y का आंसर चाहिए। अब आप देख रहे हो इक्वेशन 3 तो मैंने इधर से रेज कर दी थी, वो क्या थी मैं इधर लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे, इक्वेशन 3 का जो डिटरमिनेंट निकला हुआ था उसको हमने इक्वेशन 3 कहा था, कितना निकला था जी 10, ये थी हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। अब आपने ये वाली इक्वेशन और ये 5 इक्वेशन यहां पर पुट करनी है, तो ये देखें ये y आ गया, नेक्स्ट क्या है इक्वल टू जी स्टूडेंट ये देखें ay का डिटरमिनेंट किसके इक्वल आया है 20 के इक्वल आया है, तो यहां पे आपने 20 लिख दिया, नेक्स्ट a का डिटरमिनेंट कितना आया था 10, तो ये ओवर में 10 आ गया, ये 0 0 से कट गया, तो हमारे पास y का आंसर आ गया कितना 2, तो ये हमारे पास स्टूडेंट दूसरा रिक्वायर्ड आंसर, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था ये हमारे पास x का आंसर, ये हमारे पास y का आंसर, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आपने पेपर में यहां तक क्वेश्चन है वो सॉल्व कर देना है, उसके बाद आपने करनी है पड़ताल, ताकि आप वहां पर ही अपने आप को सेटिस्फाई कर सके कि जो हमारे पास x और y के आंसर निकले क्या ठीक निकले हैं या नहीं। तो इसलिए मैंने आपको सिखाया था कि आपने क्या कर लेना है, चेक कर लेना है, जिसको हम पड़ताल कहते हैं। तो मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या किया था, फर्स्ट इक्वेशन को यूज किया था किसके लिए, चेक के लिए, अब मैं क्या करूंगा सेकंड इक्वेशन को यूज करूंगा चेक करने के लिए कि ये हमारे पास सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं जी। तो सुनिए ये रफ अमल में है आपका, मैं यहां पे लिख भी देता हूं रफ अमल, और ये चीज आपने लेड पेंसिल से करनी है, आपका आंसर यहां पे, आपका क्वेश्चन यहां पे एंड हो चुका है, ये आपने लेड पेंसिल से कच्ची पेंसिल से काम करना है, जैसे ही आपकी क्वेश्चन सेटिस्फाई होगी आपने देन इसको रेज कर देना है। चलिए जी मैं यहां पे वैल्यूज पुट करता हूं, ये देखें एक्स, एक्स इसके इक्वल है 4, तो यहां पे आ गया जी 4, नेक्स्ट क्या है प्लस का साइन है तो ये आ गया प्लस का, नेक्स्ट क्या है ये स्टूडेंट 2 लिखा हुआ है तो ये 2 आ गया। अब यहां पे देखें 2 के साथ y कर क्या रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब मैं इधर y की वैल्यू लिखूंगा तो वो भी किस शक्ल में लिखूंगा, मल्टीप्लाई के ही शक्ल में लिखूंगा, नेक्स्ट क्या आ गया इक्वल टू 8, तो ये 4 उसी तरह आ गया, ये प्लस का साइन 2 2 4 इक्वल टू 8, तो ये बन गया कितना 8 इक्वल टू 8, तो ये देखें स्टूडेंट ये जो रिलेशन आया है हमारे पास ये क्या आया है ट्रू आया है, लेफ्ट हैंड साइड
राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमने ये y की वैल्यू और ये x की जो वैल्यूज निकाली है वो बिल्कुल ठीक निकाली है। अब हमें किसी चीज की भी कोई मसला नहीं है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।